समस्तंकु शुभ दिन कंप्यूटर शिक्षा को सहयोग करिछंती जेमिति कि तुमे माने समस्ते जानिछ सप्ताहर प्रथम दिन रे तुमे समस्ते किछि नुआ सिखिथाओ एवं ता पर क्लास रे तुमे जहा सिखिथाओ तुमे समस्ते तहार अभ्यास करिथाओ। आजिर क्लास टी तुमर अभ्यास क्लास अटे जेउथिरे तुमे पूर्व क्लास रे जहा सिखिथिलो तहार अभ्यास करिवो। तुमर अभ्यास आरंभ करिबा पूर्वरु आस किछि प्रश्न देखिबा। कोन तुमे जानिछ फॉर्मेटिंग मार्क द्वारा कोन होइथाय? फॉर्मेटिंग मार्क रो व्यवहार करी तुमे स्पेस कु भांगी पारिबो एवं तुमे स्पेस कु शैडो भाबरे देखाई पारिबो। एथिरे तीनोटी ऑप्शन रही थाए नॉन ब्रेकिंग स्पेस, नॉन ब्रेकिंग हाइफेन एवं ऑप्टिमल हाइफेन। नॉन ब्रेकिंग स्पेस रे तुमे स्पेस कु भांगी पारिबो नाही। जेते बले तुमे नॉन ब्रेकिंग स्पेस उपरे क्लिक करिबो जेउठारे स्पेस थिबो ता हाइलाइट होई जिवो। सही परी तुमे नॉन ब्रेकिंग हाइफेन द्वारा हाइफेन को भांगी पारिबो नाही। जेते बले तुमे सेठारे क्लिक करिबो कर्सर जगारे हाइफेन आसी जिवो जहा कि आगरो हाइलाइट होई थिबो। ऑप्टिमल हाइफेन सहाय्य रे तुमे मध्य हाइफेन को आनी पारिबो जहा आगरो हाइलाइट होई रही थाए। कोन तुमे कहि पारिबो सेक्शन ऑप्शन द्वारा कोन होई थाए? सेक्शन ऑप्शन रो व्यवहार करी तुमे तुमरा पैराग्राफ किंबा लाइन को गोटिए सेक्शन को भाग करी पारिबो किंबा ताहा को गोटिए बॉक्स रे पाई पारिबो। सही गुडी को बॉक्स को आनिबा व्यतीत तुमे लाइन किंबा पैराग्राफ को कॉलम को भाग करी पारिबो एवं तुमे मध्य इंडेंट किंबा मार्जिन लगाई पारिबो एवं तुमे एही टेक्स्ट रो बैकग्राउंड कलर मध्य बदलाई पारिबो। कोन तुमे जानी छो फुट नोट एवं एंड नोट मध्य रे पार्थक्य कोन अटे? फुट नोट को तुमे तुमरा डॉक्यूमेंट रो जेकोनसी पेज रे लगाई पारिबो एवं तुमे ताहाकु अलगा अलगा पेज रे देखी पारिबो एवं ताहार व्यवहार करी पारिबो। सही परी तुमे एंड नोट को तुमरा डॉक्यूमेंट रे केवल शेष पेज रे लगाई पारिबो। कोन तुमे कहि पारिबो चेंज ऑप्शन द्वारा कोन होई थाए? चेंज रो व्यवहार करी तुमे तुमरा डॉक्यूमेंट रे करिथिबा जेकोनसी परिवर्तन गुडी को देखी पारिबो। जदी केही तुमरा डॉक्यूमेंट रे किछि परिवर्तन करिथाय तेबे तुमे ताकु देखि पारिबो। एही परिवर्तन गुडी को अलगा प्रकार फॉर्मेटिंग रे देखा जाय थाय। कोन तुमे कहि पारिबो फील्ड नेम रो शेडिंग को हटाइबा पई तुमे कोन करिबो? फील्ड नेम रो शेडिंग को हटाइबा पई तुमे फील्ड शेडिंग ऑप्शन रो व्यवहार करिबो। कोन तुमे कहि पारिबो टेक्स्ट फ्रेम रो व्यवहार काहि की करा जाय? टेक्स्ट फ्रेम रो व्यवहार करी तुमे तुमरा पेज रे गोटिए गोटिए करी फ्रेम इंसर्ट करी पारिबो एवं तुमे फ्रेम रे किछि लेखी पारिबो मध्य। टेक्स्ट फ्रेम ठीक टेक्स्ट बॉक्स भली काम करी थाए अर्थात एहा को तुमे जेकोनसी जगारे रखी पारिबो। कोन तुमे कहि पारिबो होराइजोंटल रूलर रो व्यवहार काहि की करा जाय? होराइजोंटल रूलर रो व्यवहार करी तुमे तुमरा पेज रे बहुत प्रकार किंबा अनेक स्टाइल रो लाइन तयारी करि परिबो एवं तुम अनुसारे तहार फॉर्मेट मध्य करि परिबो। वर्तमान तुमे तुमरा कंप्यूटर को ऑन करो एवं तुमरा राइटर फाइल को ओपन करो। आसो आजिरो क्लास आरंभ करिबा। प्रथमे
तुमको देखा जाइथिबा पाराग्राफ को टाइप कर। आस वर्तमान पूर्व क्लास रे तुमे कौन सीखिथिल तहार अभ्यास करिबा। प्रथमे तुमे फॉर्मेटिंग बार रो अभ्यास केमिति करिबो देखाओ। जदि तुमको किछि असुविधा हेउछि तेबे तुमे एही वीडियो को देखो एवं एहार सहाय्य रे अभ्यास कर। वर्तमान आमे पाराग्राफ को फॉर्मेटिंग करिबा। एथिपई प्रथमे तुम्हारा पाराग्राफ को सिलेक्ट करो जे भली वीडियो रे देखा जाइछि। या परे फॉन्ट साइज को जाई एठारे कोटे साइज को सिलेक्ट करो। या द्वारा तुम्हें देखि पारिबो फॉन्ट रो साइज बड़ो होई जाइछि। एबे फॉन्ट स्टाइल को जाई एठारु गोटे स्टाइल को सिलेक्ट करो। तुम इच्छा अनुसार एठारे गोटे स्टाइल सिलेक्ट करि पारिबो। एबे एथेरे अन्य फॉर्मेटिंग करिबा पई प्रथमे पुनर्बार पाराग्राफ को सिलेक्ट करो। या परे बोल्ड ऑप्शन को जाई क्लिक करो। या द्वारा तुम्हारा फॉन्ट बोल्ड हो जिवो। या परे नंबरिंग एवं बुलेट्स इंसर्ट करिबा पई प्रथमे इठारे लाइन लो आरंभ रे तुम्हारा कर्सर को रखो। तापरे बुलेट्स ऑप्शन को जाई क्लिक करो। या द्वारा ए लाइन ले बुलेट्स इंसर्ट हो जिवो। तापरे ता पर लाइन ले तुम्हारा कर्सर रखो एवं पुनर्बार बुलेट ऑप्शन को जाई क्लिक करो। या द्वारा एही दुटी लाइन ले बुलेट इंसर्ट हो जिवो। एबे प्रथम दुईटी लाइन को सिलेक्ट करो। तापरे तुम्हारा कर्सर को फॉन्ट कलर पाख को नहीं इठारे क्लिक करो एवं एठारु गोटे कलर को सिलेक्ट करो। सही परी शेष लाइन टी को सिलेक्ट करो। तापरे यार फॉन्ट कलर को परिवर्तन करो जो भली वीडियो रे देखा जाइछि। एबे एही दुटी लाइन को सिलेक्ट करो। या को अंडरलाइन करो एवं एवं हाइलाइटिंग कलर ऑप्शन को जाई एठार गोटे कलर सिलेक्ट करो। एही परि भाबरे तुमे तुम्हारा पाराग्राफ किंबा टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करि परिबो। तापरे तुमे इंसर्ट मेनू रो सेक्शन ऑप्शन रो व्यवहार किपरि करिबो देखाओ। तुमे पाराग्राफ को दुईटी भाग रे किपरि भाग करिबो देखाओ। जदि तुमको किछ असुविधा हेउछि तेबे एही वीडियो को देखो। वर्तमान आमे सेक्शन ऑप्शन रो व्यवहार सिखिबा। एथि पई प्रथमे तुमे इठारे पाराग्राफ को सिलेक्ट करो। या परे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को इंसर्ट मेनू को नेकी जाओ एवं गोटे थरो क्लिक करो। या परे सेक्शन ऑप्शन उपरे क्लिक करो। तुम आगर गोटे बॉक्स ओपन हेबो जो भाई वीडियो देखि पारछो। एठारे न्यू सेक्शन रे तुमे इठारे किछ नाम दे पारिबो। तापरे तुमे इठारे कॉलम ऑप्शन को जाई एठारे तुमे केतोटी कॉलम चाहुछो एठारे एरो की को सिलेक्ट करी अप एरो किंबा डाउन एरो को क्लिक करी सिलेक्ट करी पारिबो। किंबा एठारे थिबा ऑप्शन रु जे कोनसी ऑप्शन को तुमे सिलेक्ट करी पारिबो। तापरे रहिछि इंडेंट बिफोर सेक्शन एवं आफ्टर सेक्शन। तुमे इठारे अप एरो की एवं डाउन एरो की को व्यवहार करी परी मार्जिन एवं टेक्स्ट मध्य रे स्पेस दे परिबो जो भली वीडियो रे देखि पारुछ एवं तहार प्रीव्यू इठारे तुमे देखि परिबो। सेई परी परवर्ती ऑप्शन रहिछि बैकग्राउंड रो। इठारे बैकग्राउंड ऑप्शन को क्लिक करो। एवं एठारे तुम्हें बैकग्राउंड कलर को चेंज करिबा पई एठारे जे कोनसी कलर तुम्हें बाछि पारिबो तुम इच्छा मुताबिक जो भली वीडियो तुम्हें देखि पारिबो। एठारे गोटे कलर सिलेक्ट कराई छी
या परे इंसर्ट उपरे क्लिक करो तुम्हें देखी पारिबो तुम्हें जो सेक्शन अप्लाई करिथिलो ताहा इठार आसी जाइछि जो भले तुम्हें वीडियो देखी पारुछ एठारे दुईटी कॉलम आसी जाइछि एवं मझे एठारे गारो अछि तुम्हें देखी पारिबो एही बोली भाबरे तुम्हें सेक्शन ऑप्शन को व्यवहार करि पारिबो वर्तमान तुम्हें दिया जाइथिबा पाराग्राफ को दुईटी पेज रे भाग कर एवं फुट नोट एवं एंड नोट को किपरि लगाइबो एवं व्यवहार करिबो देखाओ जदि तुमको एहा करिबा पई किछ असुविधा हेउछि तेबे एही वीडियो को देखो एवं सेथिरु सिखो वर्तमान फुट नोट एवं एंड नोट ऑप्शन रो व्यवहार करिबा पई प्रथमे तुम पाखर थे पाराग्राफ को दुईटी भागरे भाग कर एथिपाई एठार तुम कर्सर रखी ए पाराग्राफ को दुईटी भागरे भाग कर जहाद्वारा तुम पाखे दुईटी पेज आसीजीव एबे फुट नोट एवं एंड नोट लगाइबा प्रथमे तुम्हारा कर्सर से ही जगार रख जोठारे तुम्हें फुट नोट को इनसर्ट करने चाहछ यापर ये एठारे सी एस टाइप कर जो भाई वीडियो रे टाइप करा कर तापरे ओपन ब्रैकेट एवं क्लोज ब्रैकेट दियो एवं तुम्हारा कर्सर को यही ब्रैकेट रो मझीरे रख तापरे तुम्हारा कर्सर को इनसर्ट मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक कर यापर फुट नोट एंड नोट ऊपर क्लिक करो, तुम आगे गोटे बॉक्स ओपन हेबो एठारे नंबरिंग ऑटोमेटिक सिलेक्ट होती बार तुम्हें देखी पारिबो एवं टाइप रे फुट नोट सिलेक्ट होई एबे नंबरिंग को चेंज करी कैरेक्टर करो एवं एठारे सी टाइप करो एवं तुम्हें एठारे स्पेशल कैरेक्टर पाई कीबोर्ड मध्यम बाहर करी पारिबो जो भाई वीडियो रे देखा जाइछि एवं एठारु कोनोसी स्पेशल कैरेक्टर को तुम्हें सिलेक्ट करी पारिबो तापरे ओके करो यहाँ परे इठारे टाइप रे फुट नोट सिलेक्ट होई छी एबे ओके ऊपर क्लिक करो एबे तुम्हें देखी पारिबो इठारे फुट नोट आसी जाई छी एवं इठारे टेक्स्ट टाइप करिया पई मध्ये आसी छी तुम्हें इठारे किछि टेक्स्ट टाइप करी पारिबो जेउ भली वर्तमान वीडियो रे कंप्यूटर शिक्षा टाइप करा जाई छी फुट नोट हिसाब रे एवं जदि तुम्हें इठारे क्लिक करूछ तेबे एहा तुमको पूर्व पेज को नहीं जीवो एवं जदि एठारे क्लिक करूछ तेबे तुम्हें तेबे तुमको या फुट नोट पाख को नहीं जीवो जो भले तुम्हें वीडियो रे देखि पारुछ एटा हाथ चिन्ह आसुची एटा क्लिक कले या जेउठारे तुम्हें फुट नोट लगाइछ ता पाख को आसी जीवो एई भले भाबरे से भली इटारे आउतरे एंटर बटन को प्रेस करो तापरे इटारे आउ किछि तुम्हें वर्ड लेखो जो भली वीडियो रे इटारे किछि टेक्स्ट टाइप कराई छी तापरे ओपन ब्रैकेट एवं क्लोज ब्रैकेट दियो एवं एही ब्रैकेट रो मझिरे तुम्हार कर्सर रखो तापरे इनसर्ट मेनू को जाओ एवं एठारे फुट नोट एंड नोट ऊपर क्लिक करो तापर एठारे नंबरिंग ऑप्शन रे एठारे ऑटोमेटिक रखो एवं फुट नोट रखो तापर ओके ऊपर क्लिक करो तुम्हें देखी पारिबो एठी नंबरिंग रे एक आसीछि एवं एठारे टाइप करिया पे टेक्स्ट आसीछि जेउठारे तुम्हें टाइप करि पारिबो किछि टेक्स्ट एवं जदि एठारे एक ऊपर क्लिक करूछ तबे या पूर्व पेज रे जेउठारे तुम्हें फुट नोट लगेछ ता पाखु आसी जिवो एवं सेठारे क्लिक कले एठारे फुट नोट पाखु को आसी जिवो जेउठारे तुम्हें टेक्स्ट लेखिछ से परी आउ थरे एंटर बटन को प्रेस करो एबे एठारे आउ किछि टेक्स्ट टाइप करो जेमळे एठारे एफ वाई आई टाइप करा जायछि तापरे ओपन ब्रैकेट एवं क्लोज ब्रैकेट दियो
एवं एई ब्रैकेट रो मझीरे तुम्हार कर्सर को रख। तापर इनसर्ट मेनू को जाई क्लिक कर। या परे एठारे फुट नोट एवं एंड नोट ऊपर क्लिक कर। वर्तमान एठारे नंबरिंग को एठारे ऑटोमेटिक रख एवं टाइप रे फुट नोट जगार एंड नोट को सिलेक्ट कर। तापर ओके बटन को प्रेस कर। तुम्हें देखि पार एठारे एंड नोट आसी जाइछि आई लेखा आसी एवं एठारे टेक्स्ट किसी टाइप कर एंड नोट हिसाब से जो भाई एठारे टाइप कराई भाव में तुम्हें तुम कि टेक्स्ट टाइप कर आई ऊपर क्लिक कर तुमको पूर्व पेज रे जोठार लगाई ताक नहीं जीवन क्लिक कर एंड नोट रे लिखित टेक्स्ट पाख को तुम कर्सर आसीज जो भाई तुम्हें वीडियो देखिपार एवं जदि फुट नोट उपर क्लिक कर आसीज तुम्हें देखिपर ये गोटे हाथ चिन्ह आसुच्चर क्लिक कले तुमको फुट नोट कि एंड नोट पाख को नहीं जीव जोठारे तुम्हें एपं कि टेक्स्ट टाइप करपर भाव तुम्हें फुट नोट एवं एंड नोट ऑप्शन रो व्यवहार करिपर। तापर तुम्हें अन्य पेज रे कैप्शन रो व्यवहार करी देखाओ। जदि तुमको किसी असुविधा तबे एही वीडियो को देखो। वर्तमान आमे कैप्शन ऑप्शन रो अभ्यास करिबा। एथिपई प्रथमे तुम्हारा कर्सर को ड्राइंग टूल बार को नहीं यू स्माइली शेप्स को सिलेक्ट कर। तापर ये गोटे चित्र तैयारी कर तुम्हारे फाइल यापर तुम्हें देखिपर ये चित्रटे आसी जाइए एवं या सिलेक्ट कर यापर गोटे थर क्लिक करी। यापर तुम्हारा कर्सर को इनसर्ट मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक कर। तापर कैप्शन ऑप्शन ऊपर गोटे थर क्लिक कर। तुम्हें देखिपर तुम आगे गोटे बॉक्स आसुच्छ तुम्हें कैटेगरी ड्राइंग टेबल ये किसी सिलेक्ट कर जो ड्राइंग सिलेक्ट कराई एवं नंबरिंग रु तुम्हें यार गोटे सिलेक्ट कर तुम्हें देखिपर कैप्शन किसी टेक्स्ट लेखिया पाई ऑप्शन रही तुम ये किसी टेक्स्ट लेखिपर से ही चित्र पाई जो भाई वर्तमान ये वीडियो रे किसी टाइप करा भाव में तुम्हें ये से ही चित्र पाई किसी टेक्स्ट टाइप कर तुम्हें टाइप कर जो भाई वीडियो देखिपार एभली भाव टाइप कर। चित्र पाई यठार तुम्हें किसी कैप्शन दे पार यापर ओके ऊपर क्लिक कर। तुम्हें देखिपर यठार से ही चित्र पाई कैप्शन आसी जाइए जो भाई तुम्हें नंबरिंग एवं सेपरेशन एवं टेक्स्ट लिखी ताठार आसी जापरी भाव में तुम्हें कैप्शन ऑप्शन रो व्यवहार करिपर। वर्तमान तुम्हें तुम डॉक्यूमेंट रे टेक्स्ट फ्रेम रो एप्लीकेशन देखाओ जो थी तुम्हें तुम स्कूल विषय किंबा कंप्यूटर शिक्षा विषय लेख। जदि तुमको किसी असुविधा तबे एही वीडियो को देख एवं टेक्स्ट फ्रेम को व्यवहार कर। वर्तमान आमे टेक्स्ट फ्रेम रो व्यवहार अभ्यास करिबा। एथिपई तुम्हें एठारे द्वितीय पेज को आसी एठी तुम्हारा कर्सर को रख जोठारे
तुम्हें टेक्स्ट फ्रेम देवाई चाहछ तापर इनसर्ट मेनू को जाई गोटे थर क्लिक कर या फ्रेम ऑप्शन को जाई क्लिक कर या द्वारा तुम आगे गोटे बॉक्स ओपन हेबो जो भाई वीडियो देखी पार ये तुम्हें साइज रे विड्थ हाइट को विड्थ एवं हाइट को यठार अप एरो की एवं डाउन एरो की को प्रेस करी तुम्हें सेट करी परिबो एवं पोजीशन इधर सिलेक्ट करी परिबो केउठार रखिया पई चाहुचो एवं ऑप्शन को जाई इठार नाम दे पाइबो एवं इठार तुम्हें रैप ऑप्शन को जाई इठार स्पेस दे पाइबो जो भाई वीडियो देखा जाइछि नॉन बिफोर आफ्टर एभली भाव यठार जेकोसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर पारिबो या परे हाइपर लिंक ऑप्शन तुम्हें व्यवहार कर पारिबो किंबा बॉर्डर ऑप्शन को जाई यठार तुम्हें बॉर्डर सिलेक्ट कर पारिबो एवं ता पई स्टाइल यठार सिलेक्ट कर पारिबो जो भाई वीडियो यठार सिलेक्ट करा जाइछि एभली भाव तुम्हें यठार कौनसी गोटे स्टाइल को सिलेक्ट कर पारिबो या परे तुम्हें इठारे कलर को परिवर्तन मध्य करी परिबो इठारे कलर पाखरे तुम्हें इठारे चेंज करी परिबो यार कलर को जो भाई वीडियो देखा जाइछि एवं बैकग्राउंड को जाई मध्य इठारु जेकोनसी कलर को तुम्हें बाछी परिबो तुम इच्छा मुताबिक एवं तापरे ओके ऊपर क्लिक करो तुम्हें देखी पारिबो एठारे टेक्स्ट फ्रेम आसी जाइछि एवं तुम्हें या को बड़ मध्य करि पारिबो आवश्यक थिबा साइज अनुसार एठारे थिबा सबुज बिंदु को पाखरे तुम्हारा कर्सर को रखी तुम्हें या को बड़ करि पारिबो एवं एहा मध्य रे तुम्हें किसी टेक्स्ट मध्य टाइप करि पारिबो जो भाई वर्तमान वीडियो रे एठारे किसी टेक्स्ट टाइप करा जाइछि तुम्हें तुम्हारा क्लास विषय किसी लिखि पारिबो एभली भाव तुम्हें इटा टाइप करि पारिबो एभली भाव जो भाई वीडियो देखा जाइछि से टेक्स्ट बॉक्स मध्य रे तुम्हें टाइप मध्य करि पारिबो एभली भाव तुम्हें या मध्य रे टाइप करि पारिबो एवं या परे एथिरे फॉर्मेटिंग करिबा पई तुम्हें या को प्रथमे सिलेक्ट करो तापरे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को फॉन्ट साइज ऑप्शन को जाई एटु फॉन्ट रो साइज रो मध्य बढ़ाई पारिबो बोल्ड करि पारिबो एई परि भाबरे तुम्हें टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन को व्यवहार करी तुम्हें टेक्स्ट फ्रेम लगाई पारिबो वर्तमान तुम्हें पाराग्राफर ऊपर होराइजोंटल रूलर लगाओ एवं द्वितीय पेज रे पाराग्राफर परे लगाओ जदि तुमको किसी असुविधा तबे एही वीडियो को देख वर्तमान होराइजोंटल रूलर ऑप्शन को किपरि व्यवहार करा जाए ता देखिबा एथिपाई तुम्हारा कर्सर सेहिठारे रख जेउठारे तुम्हें जेउठारे तुम्हें होराइजोंटल रूलर को इनसर्ट करिबा पई चाहुछो एबे इठारे तुम्हारा कर्सर को रख जो भाई वीडियो देखा जाइछि तापरे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को इनसर्ट मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक कर या परे होराइजोंटल रूलर पाख को तुम्हारा कर्सर निय एवं गोटे थर क्लिक कर
तुम आगे गोटे बॉक्स ओपन हेबो जो भली वीडियो रे देखि पारुछ एठारु तुम्हें जेकोणसी गोटे रूलर को सिलेक्ट करि पारिबो तुम इच्छा मुताबिक एटर स्क्रॉल बार को व्यवहार करी तुम्हें देखि पारिबो विभिन्न प्रकार स्टाइल रो रूलर रहिछि विभिन्न प्रकार स्टाइल रो रूलर रहिछि तुम्हें एठारु जेकोणसी गोटे रूलर को सिलेक्ट करि पारिबो तापरे ओके ऊपर क्लिक कर तुम्हें देखि पारिबो जेउठारे तुम्हारा कर्सर रखिथिल सेठारे रूलर इनसर्ट हो जाइछि जो भाई तुम्हें वीडियो रे देखि पारुछ एही भली भाबरे तुम्हें होराइजोंटल रूलर को व्यवहार करि पारिबो तापरे तुम्हें द्वितीय पेज रे अन्य कोनोसी फाइल को किपरि इनसर्ट करिबो देखाओ पुनर्बार जदि तुमको किछ असुविधा हेउछि तेबे एही वीडियो को देखो वर्तमान फाइल ऑप्शन को व्यवहार करी अन्य कोनोसी गोटिए फाइल को तुम्हारा वर्तमान फाइल ले किपरि इनसर्ट करा जाए ता देखिबा एथि पई प्रथमे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को सेठारे रख जेउठारे तुम्हें फाइल को इनसर्ट करबा पई चाहुछ एहा परे तुम्हारा कर्सर को इनसर्ट मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक कर तापरे एठारु फाइल ऑप्शन पाख को तुम्हारा कर्सर नियो एवं ताकु गोटे थर क्लिक कर यह द्वारा तुम आगे गोटे बॉक्स ओपन हेबो जो भाई तुम्हें वीडियो देखि पारुछ एठारे तुम्हारा फाइल केउठारे अछि ताकु एठारु तुम्हें सिलेक्ट करि पारिबो जदि या डेस्कटॉप रे अछि डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर एवं एठारे स्क्रॉल बार को व्यवहार करी तुम्हें सही फाइल टी को खोजि पारिबो जाकु तुम्हें इनसर्ट करबा पई चाहुछ एबे एठारु गोटे फाइल को सिलेक्ट कर जो भले इठारे न्यू फाइल टी को सिलेक्ट करा जाइछि तापरे ओपन उपरे क्लिक कर तुम्हें देखि पारिबो सही फाइल रो डाटा तुम्हार वर्तमान रो राइटर फाइल ले आसी जाइछि जे भले तुम्हें वीडियो देखि पारुछ एही परि भाबरे तुम्हें फाइल ऑप्शन को व्यवहार करी तुम्हार वर्तमान फाइल रे अन्य कोनसी फाइल रो डाटा को इनसर्ट करि पारिबो तापरे तुम्हें किसी स्पेलिंग को ठीक करने ऑटो करेक्ट फीचर रो व्यवहार कर उदाहरण स्वरूप सी एस रु कंप्यूटर शिक्षा को परिवर्तन कर ध्यान देव कि तुम्हें अल्फाबेट अर्थात अक्षर अनुसार ऑटो करेक्ट लगाई पारिबो नहीं जदि तुमको एथिरे कोनोसी असुविधा होउछि तेबे एही वीडियो को देख वर्तमान आमे ऑटो करेक्ट ऑप्शन रो व्यवहार अभ्यास करिबा एथि पई प्रथमे तुम्हें द्वितीय पेज को आसो एवं एठारे तुम्हें टाइप करो सी एस जो भली वीडियो रे देखा जाइछि एवं गोटे थर स्पेस दियो तुम्हें देखि पारिबो एठारे कंप्यूटर शिक्षा आसी जाउछि कारण एथि पई जानिबा पई तुम्हें प्रथमे फॉर्मेट ऑप्शन जे क्लिक करो या परे ऑटो करेक्ट ऑप्शन को जाओ या परे ऑटो करेक्ट ऑप्शन को क्लिक करो तुम्हें एठारे देखि पारिबो एठारे सी एस टाइप करी एठारे सी एस कंप्यूटर शिक्षा द्वारा रिप्लेस हेबार एठारे सेव होइछि तेणु तुम्हें सी एस लेखि स्पेस देले या कंप्यूटर शिक्षा आसी जाउछि एबे याकु डिलीट करो तापरे ओके बटन को प्रेस करो एबे जदि तुम्हें एठारे सी एस टाइप करुछ तेबे तुम्हें देखि पारिबो एते कोनोसी शब्द आसु नहीं कारण अक्षर द्वारा यह आसी न थाए एवं पुनर्बार फॉर्मेट मेनू को जे क्लिक करो तापरे
ऑटो करेक्ट ऑप्शन को क्लिक करो तापरे ऑटो करेक्ट ऑप्शन को क्लिक करो एठार तुम्हें देखि परिबो विभिन्न प्रकार शब्द पूर्वर रहिछि जाकि जदे इठारे ए सी एच ई आई वी ई भूल टाइप करछो तेबे ता ए सी एच आई ई वी होइ जइबो जाकि सठिक अटे एबे याकु क्लोज करो एवं इठारे भूल टाइप करो ए सी एच ई आई वी ई एवं या लेखि सारिबा परे जदि स्पेस देउछो तुम्हें देखिबो या सठिक होइ जाउछि एवं जदि तुम्हें अन्य कोनसी वर्ड इठारे लेखुछो एवं ता ऑटो टेक्स्ट नाही तेबे ता सठिक हेबो नाही एबे फॉर्मेट ऑप्शन को जाओ तापरे ऑटो करेक्ट ऑप्शन को जाओ तापरे ऑटो करेक्ट ऑप्शन को क्लिक करो इठर विभिन्न प्रकार शब्द रहितबार तुम्हें देखि परिबो एबे आ गुटे शब्द देखिबा एथिमे याकु क्लोज करो एवं इठारे एक्सीडेंट टाइप करो जाकि भूल शब्द अटे एवं स्पेस दियो तुम्हें देखि परिबो या सठिक होइ जाउछि एई परि भाबरे तुम्हें ऑटो करेक्ट ऑप्शन रे थिबा शब्द को सठिक करि परिबो एबे फॉर्मेट ऑप्शन को जाओ तापरे ऑटो करेक्ट ऑप्शन को जाओ एबे ऑटो करेक्ट ऑप्शन को क्लिक करो एबे तुम्हें जदि इठारे पुनर्बार सी एस लेखुछ एवं ताकु रिप्लेस करुछ कंप्यूटर शिक्षा द्वारा एटा टाइप करुछ तापरे इठारे न्यू ऊपर क्लिक करुछ तापरे ओके ऊपर क्लिक करिवो एबे तुम्हें देखि परिवो इठारे सी एस टाइप करी स्पेस देले कंप्यूटर शिक्षा आसी जाउछि कारण एहा तुम्हें रिप्लेस करिया पई एड करिछ एही परि भाबरे ऑटो करेक्ट ऑप्शन को तुम्हें व्यवहार करि परिबो तापरे तुम्हें तीनोटी क्लिप आर्ट तैयारी करो एवं ताहाकु ग्रुप किपरि करिबो देखाओ एवं मध्य कुह जेतेबेले तुम्हें डिलीट व्यवहार कल कौन हैला जदि तुमको किछ असुविधा हेउछि तेबे एही वीडियो को देखो वर्तमान आमे ग्रुप ऑप्शन रो अभ्यास करिबा एथि पई तुम्हें ड्राइंग टूल बार को जाई इठारे किछ चित्र तैयारी करो जेंबळी वीडियो रे इठारे तैयारी कराय छि इठारे चित्र तैयारी करो ड्राइंग टूल बार रु तुम्हें इठारो किछ चित्र तैयारी करि परिबो तुम्हारो राइटर पेज रे जेंबळी वीडियो रे देखा जाय छि वर्तमान तुम्हें देखि परिबो एही तीनोटी चित्र अलग अलग रही छि जे तुम्हें गोटे सिलेक्ट करुछ तेबे तुम्हें देखि परिबो या गोटे गोटे सिलेक्ट हेबो एवं याकु ग्रुप करिबा पई प्रथमे एही तीनोटी को सिलेक्ट करो एति पई शिफ्ट बटन को प्रेस करी तुम्हें तीनोटी को सिलेक्ट करो तापरे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को फॉर्मेट मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक करो एहा परे एठर थिबा ग्रुप ऑप्शन पाख को तुम्हारा कर्सर नियो तापरे एठारे ग्रुप ऊपर क्लिक करो एबे तुम्हें देखि परिबो एही तीनोटी ग्रुप होई जाइछि एवं जे तुम्हें पुनर्बार फॉर्मेट मेनू को जाउछ एवं तापरे ग्रुप ऑप्शन को जाउछ एवं एठारे एंटर ग्रुप ऊपर क्लिक करुछ तेबे जदि तुम्हें कोनोसी गोटिए रे किछि फॉर्मेटिंग करिवो अन्यटी रे ता होई जिवो एबे पुनर्बार ए तीनोटी को सिलेक्ट करो तापरे तुम्हारो कर्सर को फॉर्मेट मेनू को नियो तापरे ग्रुप ऑप्शन को जाओ एवं ग्रुप ऊपर क्लिक करो एबे तुम्हें देखि परिबो एही तीनोटी रो जे कोनसी गोटिए को तुम्हें अलग स्थान को नेले तीनोटी एका सहित अन्य स्थान को जीवो कारण एहा गोटिए ग्रुप रे अछि एवं तुम्हें एतिरे कोनसी चेंजेस कले तीनोटी जाकरे समान परिवर्तन हेबो जेपर कि तुम्हें जदि कलर ऑप्शन को जाउछ एवं एठारे गोटे कलर जे कोनसी सिलेक्ट करुछ तबे तुम्हें देखि परिबो तीनोटी जाकरे समान परिवर्तन हेउछि एवं ताकु जेउ जागा को नेबो ता तीनोटी एका सहित जीवो एबे आउ गोटे कलर चेंज करो एवं ताकु तुम्हें देखि परिबो जेउ स्थान को नेउछ तीनोटी एका सह जाउछि एबे प्रथमे तीनोटी को सिलेक्ट करो या परे पुनर्बार तुम्हारा कर्सर को
ଫର୍ମାଟ ମେନୁକୁ ନିଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ତାପରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଅ ଏବଂ ଏଠାରେ ଅନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏହା ଅନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରୁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଅଲଗା ସ୍ଥାନକୁ ନେଇପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅପ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏଇଠାରେ ଶେଷ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଫାଇଲ୍କୁ ସେଭ୍ କର ଏବଂ ତୁମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ବନ୍ଦ କର। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମେ ଇନସର୍ଟ ଏବଂ ଫର୍ମାଟିଂ ମେନୁର ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଲ, ଯେମିତିକି ଫର୍ମାଟିଂ ମାର୍କ, ସେକ୍ସନ୍, ଫୁଟ୍ ନଟ୍ ଏବଂ ଏଣ୍ଡ ନଟ୍, କ୍ୟାପସନ୍, ଟେକ୍ସଟ ଫ୍ରେମ୍, ହୋରାଇଜଣ୍ଟାଲ ରୁଲର, ଫାଇଲ୍ସ, ମୁଭି ଏଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ, ଅଟୋ କରେକ୍ଟ, ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ, ଏରେଞ୍ଜ, ଫ୍ଲିପ୍ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଅପ୍ସନ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିଲ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷାକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।